नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और सवाल दिया है, यदि a बराबर 2, 4, 3, 2 और b का मान दिया है 1, 3, -2 और 5, जिससे हमें a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान ज्ञात कर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का मान बच्चों निकालेंगे। इस सवाल में क्या है, जहाँ पर a दिया है वो हम a का मान रख दिया हमने, और जो हमारा b है b का मान हमने इसके जगह पर रख दिया। अब हमें क्या करना है, बीच में लगा है प्लस तो हमें इसमें जोड़ना है। अवयव में क्या होता है, पहले पंक्ति का पहला अवयव और इसमें भी पहले पंक्ति का पहला अवयव, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यह पहले अवयव का पहला अवयव दिया है, ये दूसरे अवयव का भी पहला अवयव है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इसमें आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो दो में हम क्या जोड़ देंगे, एक, तो हमारा कितना बच्चों हो जाएगा 3, ये हमारा क्या है 4, और 4 में हम कितना जोड़ देंगे 3, तो हमारा कितना बच्चों हो जाएगा 7। इसी तरीके से ये हमारा हमारा दिया है 3, और इसमें जोड़ना बच्चों कितना है माइनस का 2। हमेशा याद रखना 3 था और जोड़ना था कितना, माइनस का 2। यहाँ पर चिन्ह हमारे कितने हो जाएंगे 2, हमेशा याद रखना चिन्ह हमारे यहाँ पर 2 हैं, तो हमें एक ही लगाना है। जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से जब 2 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 1। इसका मतलब जब 3 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसी तरीके से हमारे पास 2 दिया है और ये मेरे पास 5 है, तो हम 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 7। तो जो a प्लस बी का मान है वो हमारा आ जाएगा 3, 7, 1, 7। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं निकाल के आपको बताऊंगा a माइनस बी का। ठीक है, अब a माइनस बी का भी मान इसी तरीके से आसानी से निकल जाएगा, तो हम इस साइड में आपको बताऊंगा a माइनस बी का मान, a माइनस बी का मान निकालना है। अब a के जगह पर हम a का मान रख देंगे 2, 4, 3, 2, ब्रैकेट को बंद कर दिया, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। b का मान दिया है 1, 3, -2 और 5। ठीक है, अब इसी तरीके से अब इसमें हमने जोड़ा था, इसमें हमें क्या कर देना है, घटाना है। पहले अवयव से दूसरे अवयव को हमें घटाना है, हम क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 2 यहाँ लिखा है। अब इसमें से पहले वाले में से पहला वाला घटाएंगे, दूसरे वाले में दूसरा वाला घटाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 में कितना घटाएंगे 1, तो 2 में से जब 1 जाएगा बच्चों कितना बचेगा 1 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ 4 हैं और ये हमारा दूसरा है, तो इसी तरीके से इसका भी हमें दूसरा ही लेना है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से कितना घटाना है 3, तो बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी कितना है बच्चों, ये 3 है और हमें यहाँ घटाना है माइनस का 2। 3 में से जब माइनस 2 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, तो भैया 3 है और हमें है घटाना, घटाने का चिन्ह क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो हम माइनस लगा देंगे और घटाना है माइनस का 2। ठीक है, हमने बोला है चिन्ह हमेशा एक ही रखना है। अब चिन्ह हम ब्रैकेट जो ओपन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट खोलेगा तो ब्रैकेट से पहले भी माइनस लगा है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगा है, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 2 किसका हो जाएगा, प्लस। जो तो हम क्या करेंगे, 3 में से जब माइनस का 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2, 5, तो यहाँ कितना बच्चों आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास 2 है और 2 में से हमें घटाना है 5, तो हम 2 पहले लिखेंगे, फिर घटाने का चिन्ह क्या होता है, माइनस, घटाएंगे 5, तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम 5 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, और घटाने के बाद हमें करना क्या पड़ेगा, संख्या जो बड़ी है उसी का चिन्ह हमें लिख देना, कितना बचा 3 बचा, और इसमें बड़ी संख्या 2 है या 5, बड़ी संख्या बच्चों कौन सी है, 5 दी है, इसलिए 5 के आगे चिन्ह कितना है माइनस, इसलिए जो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का मान हमारा आ जाएगा 3, 7, 1, 7 और a माइनस बी का मान आ जाएगा 1, 1, 5 - 3। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी जरूर जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है।